हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अपडेट आ गई भी है, 2023 में होने जा रहे हैं इलेक्शन जनवरी में। सर आपको क्या लगता है, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, सेटिस्फाई हैं आप इस चीज़ से? इससे पहले कि मैं इस बल्दियाती इलेक्शन पे बात करूं, जिस तरह आपने अपने शो को शुरू किया, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं सऊदी अरब की टीम को, और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और बहुत बड़ी टीम जो कि दो साल से जो है वो नाकाबिले शिकस्त रह रही थी उसको शिकस्त दी अर्जेंटाइन को, तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और ये पूरी कौम को और पूरी उम्मत को बल्कि तमाम फुटबॉल लवर्स को जो है मुबारकबाद। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तो हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ रही है। जैसे, और जैसे आपने आपने शिकस्त वाली बात की, तो क्या आप भी शिकस्त देने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी को? नहीं, इंशाल्लाह फतुहात का सिलसिला शुरू हो गया है और अल्लाह ने चाहा तो कामयाबी होगी। और आप देख ही रहे हैं कि तीन दफ़ा इन्होंने बल्दियाती इंतखाब मुलतवी करवाया है, और जाहिर सी बात है दावे कुछ भी करें पीपल्स पार्टी के लोग, लेकिन पीपल्स पार्टी तो अब भी ये चाह रही थी कि 90 दिन की इन्होंने बात की थी, आज से 3 महीने पहले भी 90 दिन कह रहे थे, 2 महीने पहले, फिर 1.5 महीना पहले, फिर 1 महीना पहले, और अभी भी वो 90 दिन पे लगे हुए थे। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक रास्ता निकाला है और उन्होंने 2 महीने तकरीबन पौने 2 महीने बाद इलेक्शन अनाउंस किया है। अब इलेक्शन कमीशन के इकदाम बताएंगे कि आने में कितने संजीदा हैं, और अब भी तो कहीं वो पीपल्स पार्टी और MQM वगैरह के साथ मिलकर कोई कार्रवाई नहीं डाल देते। मसलन मुझे, मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी वहाँ पर समात के दौरान कहा था कि आपका एतबार ख़त्म हो गया है। एतबार कायम करने का तरीका ये है कि अब जो डेट आई है उसके मुताबिक चंद इकदाम करें। पहले तो मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए, वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नाजायज तरीके से बने हुए हैं और पीपल्स पार्टी ने उनको मुकर्रर किया है। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है कि एक तरफ इलेक्शन अनाउंस हो जाए और दूसरी तरफ आप सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कर दें। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये वाजे करना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन फौज और रेंजर्स पुलिंग स्टेशन के ऊपर तैनात की जाएगी, स्टैटिक होगी, और ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और वो जिस इदारे को चाहें आइन की आर्टिकल 220 के तहत तलब भी कर सकते हैं, तायुन भी कर सकते हैं, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें उनका इख्तियार है और ये है, तो फिर उसके बाद उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए इस लिहाज से कि कराची के लोग एतमाद से जाकर वोट डालें, और जो हुकूमती पार्टियां जिस तरह से अपनी पुलिस को और अपनी तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन पे कब्जा करना चाहती हैं, ये जो इनके दावे हैं ना कि इतने टाउन जीत जाएंगे, इतना फला जीत जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो इसी बुनियाद पर हैं, अपनी मर्जी की हल्काबंदियाँ, अपनी मर्जी की के आरोज, अपनी मर्जी का अमला और अपनी मर्जी की पुलिस, और फिर उसके बाद जो है वो मैनूवरिंग करना, तो ये सब चीज़ें नाकाम हो जाएंगी जब लोगों को पता होगा कि जब हम जाएंगे तो पुरसकून माहौल में पोलिंग होगी, फौज के जवान और रेंजर्स मौजूद होंगे। इसलिए कहना कि फौज मौजूद होगी, कि अपनी मर्जी की पुलिस, अपनी मर्जी की पोलिंग, अपनी मर्जी की हर चीज़, अगर ये अपनी ही मर्जी चलानी होती तो ये जो डिले के तरीके इस्तेमाल किए गए हैं ये तो पहली तारीख पर अपनी मर्जी चला सकते थे। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी डर रहे हैं, इसलिए कि देखें जो मेन स्ट्रीम शहर है ना वो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा, बल्कि इनको तो इस दफ़ा हैरानी जिन टाउन्स के बारे में ये कह रहे हैं ना, असल में पीपल्स पार्टी ने अपना माइंडसेट ये बनाया हुआ है कि जो सिंधी और बलोच है वो तो हमारी जेब में है, उनको तो ये बेवकूफ़ समझते हैं और समझते हैं फिर जो है ना हम इनके ज़रिए से, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब बाशऊर लोग हैं, और पहले की बात और थी कि MQM महाजिर सियासत करे, पीपल्स पार्टी सिंधी बलोच सियासत करे और दोनों को लड़वाओ और खुद दोनों मिलकर हुकूमत करो। अब ये हो गए बुरी तरह एक्सपोज, अब सिंधियों को भी पता चल गया है और बलोचों को भी पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी ने उन्हें डिबोया है अंदरून सिंध में, उन्हें बर्बाद किया है, उन्हें कोई हक नहीं दिया है, वो उनको उनके रास्तों के ऊपर कब्जे कर लिए हैं पानी के, जिसके नतीजे में उनकी फसलें भी तबाह हो गई, मवेशी भी तबाह हो गए, इंसान भी मर गए, और अब जो है वो इधर उधर से जो मदद आई है वो मदद भी खा रहे हैं। तो फिर कराची दुश्मनी तो इनकी वैसे ही वाज है, अब जो सिंधी कराची में रहता है तो वो तो वैसे ही रहता है ना, जिस तरह महाजिर रहता है, जिस तरह पख्तून रहता है, पंजाबी रहता है, तो इन सब लोगों को पता चल गया कि अगर कराची की सड़क टूटेगी तो ये किसी का कौम का नाम पता नहीं पूछेगी, बल्कि सबके लिए मसला है। कराची में बारिश में अगर तबाही होगी तो सबके लिए होगी, और कराची में अगर पानी नहीं है तो 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत, यानी 15 साल से और 17 साल से प्रोजेक्ट पेंडिंग है, तो 15 साल में इन्होंने K4 का क्या किया? अभी तो ऐलाना सभी 5,000 कह रहे हैं बसें लाएंगे, अल्लाह के बंदो 15 साल में तुम 130 बसें लाए हो और वो भी तुमने तकसीम कर दी पूरे सूबे में, और तुम्हारी बसों का आलम यह है
कि कोई जो है वो खड्डे में गिर जाती है, अच्छा। कोई बारिश में बंद हो जाती है, किसी का जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम तबाह हो जाता है। तो ये तो हाल है इनका। मैं एक सवाल आपसे, ये दो बल्कि छोटे छोटे मुख्तर सवाल हैं। पहला तो ये कि माजी में जो भी मेयर आए रोते रहे, मैं नाम नहीं ले रहा, सबको ही पता है हमारे पास फंड्स नहीं है, KMC वालों को देने के लिए फंड्स नहीं है, भाकरों को देने के लिए फंड्स नहीं है, ही नहीं तनख्वाह, क्या करें? क्या इस तरह की चीज़ रिपीट तो नहीं होगी अगर आप लोग जीत गए तो? पहली चीज़। दूसरी चीज़, कराची इज़ नाउ अ हीप ऑफ मसाइल, ठीक है? कौन सी वो पहली चीज़ है जो ठीक करने जा रहे हैं, कौन सी प्रायोरिटी में होगी आपकी? आपको लगता है कि आपके टेन्योर जितना भी है होगा जीतने के बाद में, अशिफ का, अगर आप जीतते हैं तो उसमें मामला सारे सॉल्व हो जाएंगे? देखें, मुश्किल काम है इस वक्त। कराची कोई आसान शहर नहीं रहा, और जितना बर्बाद इसको किया गया है तो इसको आबाद करने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन कौन करेगा, कहीं से तो आगाज़ करना होगा ना, कोई तो जगह पकड़नी होगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो अब इलेक्शन मुहिम है ना 15 जनवरी की, जमात इस्लामी ये सिर्फ इलेक्शन मुहिम नहीं चलाएगी, कराची के इख्तियार की मुहिम भी चलाएगी। इसलिए कि ये तो आपस में नूरा कुश्ती हो रही थी, एक कहता था इख्तियार नहीं है इसलिए इलेक्शन आगे कर दो, एक कहता था इलेक्शन, मतलब एक दूसरे से एक दूसरी चीज़ को ख़राब करके टाइम आगे बढ़ा रहे थे। ये इतने ही अगर जमहूरियत पसंद थे तो 2020 में अगस्त में ये इलेक्शन ड्यू हो गया था ना, और जो तरीक़ेकार था उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, इलेक्शन एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं, और पीपल्स पार्टी भाग रही थी बार बार। आपको याद होगा कि पिछले साल भी अक्टूबर में हम गए थे इलेक्शन कमीशन में, और नवंबर में इसकी समाप्त हुई थी, मैं खुद वहां गया था, ये पिछले साल की बात बता रहा हूं, और मैंने वहां पर मुकदमा लड़ा था कराची का कि इलेक्शन कराएं, तो उस पर फिर एक टाइम फ्रेम तय हुआ था, यानी कोई पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। अब मैं जो दो मुहिम हम चलाएंगे की मुहिम और दूसरे इख्तियार की मुहिम, जो बीच में रुक गया था, हमने धरना दिया था, आपको याद होगा, हमने इनसे मुआहदा किया था, एक एग्रीमेंट इन्होंने कौम के सामने किया, हमारे दफ्तर में आकर चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया अपने 8 वजीर मुशीरों के साथ, और कहा कि हम ये सारे इख्तियारात मेयर को और कराची की बल्दियात को और सिंध की बल्दियाती इदारों को मुंतकिल करेंगे। लेकिन जब MQM के साथ इनकी दोबारा से दोस्ती हो गई ये रिजीम चेंज में, तो उसके बाद ये दोनों मिलकर खेल रहे हैं हमारे साथ। Exactly. इसलिए हम समझते हैं कि हम इख्तियार की जंग में लड़ेंगे। अगेन वही बात, ये आपके साथ नहीं बल्कि अवाम के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, उनका हक खाया जा रहा है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सिटी है आज, इसका हाल क्या सबके सामने। आप सब साथ रहिएगा, अभी एक ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप से मजीद भी बात करेंगे। अगेन वही बात है कि आप कहाँ से स्टार्ट लेने जाएंगे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो, जाहिर सी बात है आपने कुछ सोचा तो होगा, प्लानिंग क्या, वो प्लानिंग भी आपको हम चाहेंगे कि आप शेयर करें हमारे साथ। एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहेंगे, हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं कराची में बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख पे। हाफिज़ साहब, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बार बार जो डिलेज आए हैं, बार बार डिलेज आए, हमने देखा कि आपकी पार्टी ने सोशल मीडिया से लेकर कर सड़क सड़क तक अपनी ज़बरदस्त कैंपेन की, कितना ज़्यादा जोल्ट लगा है उसको, कितना झटका लगा है इस बार बार के डिले पर, क्या इतना लगा है कि उससे कुछ आप मुतासर होंगी आपकी कैंपेन? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जमात इस्लामी का जहां तक ताल्लुक है ना, तो अगर आप मुझसे मेरी पार्टी का और पूछेंगे और हमारी कैंपेन का ना, तो इन डिले से जमात इस्लामी को नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि लोग तो अब जमात इस्लामी की तरफ जो है ना रुझान कर रहे थे, और जब ये लोग सब मिलकर रुकावट डालते हैं ना सारी पार्टियाँ और एक तरफ हो जाती हैं, तो लोगों की राय जमात के हक़ में और ज़्यादा होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मसला जमात इस्लामी का नहीं है, मसला कराची शहर का है। कराची शहर को इंतखाब चाहिए। ये जितना डिले करेंगे हमारे लिए और राय बनेगी, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, अब तो लोगों की राय पुख्ता होती चली जा रही है। जो लोग पहले कौमी असम्बली में भी जमात इस्लामी के लिए और सूबाई असम्बली में भी राय नहीं रखते थे, उनकी भी बड़ी तादाद, और ये मैं खुद नहीं कह रहा, अवामी राय के सर्वे आए ना, उन सर्वे के नतीजे में पता चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जमात इस्लामी का मसला नहीं है, मसला शहर का है। शहर को मेयर चाहिए, शहर को अपने नुमाइंदे चाहिए। और आपने जो ये सवाल पूछा था ना कि आप करेंगे क्या, जी जी देखें, एक तो ये कि हम काम करेंगे, पहली बात ये, रोएंगे नहीं, काम करेंगे। जितना इख्तियार होगा, अव्वल तो हम इस पूरे अरसे में इख्तियार लेंगे, इनके ऊपर प्रेशर डालेंगे और इनसे असम्बली के जरिए से इख्तियार मुंतकिल करवाएंगे। अगर इन्होंने डिले कर भी दिया तो ये जिद्दोजहद हमारी जारी रहेगी, लेकिन रोना धोना नहीं करेंगे। जो इख्तियार होगा उससे ज़्यादा काम करेंगे। मैंने ये बिल्कुल मैं यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी का काम ये नहीं है कि हम रो धो के सियासतबाजी करें और चले जाएँ। जब लोग हम पर एतमाद करेंगे तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे। भाई गली मोहल्ला का मसला तो हल कर सकते हैं, गटर के ढक्कन तो लगवा सकते हैं,
साफ तो कर सकते हैं, कचरा तो उठवाने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे इन्होंने जितने भी मुआहदे कर लियो, जो अमला है उसकी हाजिरियां तो लगवा सकते हैं, सुबह मोटरेबल तो बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग आप काजम नजर आ रहा है, अल्लाह करे कि जब आप आए जीते इलेक्ट हो तो ये जो बातें इस वक्त हम यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, उस वक्त जब हम अमली तौर पे काम करें, हम अगेन आपके साथ इन्हीं जगहों पर मौजूद हों, और हम बहुत सारा काम हो चुका है, कराची वालों के बहुत सारे मसले हल हो चुके हैं। बेहद शुक्रिया हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।